हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ऑरेंज जैम। तो ये मैंने 7 कीनू ले लिए और उनको पील कर लिया। इसके बाद हम हर एक कीनू के ऊपर से ये वाइट पार्ट हटा देंगे, क्योंकि इसमें होती है बिटरनेस, और बिटरनेस आपके जैम को कड़वा कर सकती है। आपको हर एक कीनू पे से सारा वाइट पोर्शन अच्छे से निकालना है और फिर सारी स्लाइसेस करनी है, और स्लाइसेस के ऊपर भी एक वाइट धागा सा होगा, वो भी आपको हटाना है और सब एक बाउल में कलेक्ट कर लेने हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, कीनू का छिकल फेंकना नहीं है। कोई एक साफ छिकल लेकर एक स्पून की हेल्प से सारा उसका अंदर का वाइट पार्ट हटाना है, क्योंकि ये हमारे जैम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छे से स्पून की हेल्प से सारा पोर्शन आप हटा दो, वाइट जो भी आपके छिकल के अंदर है। उसके बाद आप इसे पतली स्लाइसेस में कट कर लो। जितनी भी कीनू की स्लाइसेस थी वो सारी ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड करो। उनका जूस नहीं बनाना, कुछ इस तरीके से ग्राइंड करना है। उसके बाद गरम पैन में आप सारा मिक्सचर डाल दो। मिक्सचर को अच्छे से चलाओ, जब तक उसका कलर थोड़ा डार्क ना हो, जब तक उसको अच्छे से चलाते रहो। जैसे ही उसका कलर डार्क हो जाए, उसके अंदर आप 2 बाउल चीनी डाल दो। मेरे जैम में 2 बाउल डली थी। आप पहले 1 बाउल डालकर थोड़ा टेस्ट कर लेना, उसके बाद ही दूसरा बाउल डालना। और जो हमने ऑरेंज छिकल की स्लाइसेस कट करी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसको आपको चलाते रहना है। पहले तेज गैस करनी है, फिर मीडियम गैस करनी है, फिर तेज गैस करनी है, फिर मीडियम गैस करनी है। इसी वे में इसको आपको चलाते रहना है, जब तक ये कलर चेंज ना करे, जब तक आप इसे चलाओ। धीरे धीरे ये कलर चेंज करेगा। जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, उसके बाद आप इसको प्लेट पर थोड़ा सा डालकर चेक कर सकते हो। सबसे मेन बात, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। बस फिर गैस ऑफ करो, पंखा ऑन करो और ठंडा करो। चलाते चलाते ठंडा करोगे, जैसे ही ये ठंडा होगा, वैसे वैसे ही अपना कलर चेंज करेगा और अपने आप ही एक ऑरेंज कलर ले लेगा। बस फिर क्या, ब्रेड में लगाओ, पराठे से खाओ, जैसी आपकी मर्जी। एक बाउल में निकाल कर फ्रीजर में ठंडा होने को भी रख दो। नो कलर, ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स जैम तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी? सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।